सभी योग प्रेमियों का मेरा YouTube चैनल वैदिक अष्टांग योग में स्वागत है। मैं योगाचार्य अशोक आज आप सभी को सूर्य नमस्कार में किए जाने वाले आसनों के नाम, उसके क्रम, उसके एकाग्रता, मंत्र और श्वास की स्थिति के विषय में जानकारी दूंगा। आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों के स्थिति होते हैं जो इस प्रकार है। सूर्य नमस्कार में पहली स्थिति है नमस्कार मुद्रा, और इसमें सूर्य के तरफ मुख करके खड़ा होना होता है। दोनों पैर मिले हुए होंगे, दोनों हाथ आपके जुड़े हुए होंगे और दोनों हाथों के जो मुद्रा स्थिति होंगे वो अनाहत चक्र पर, आपके कमर बिल्कुल सीधी होंगे और आपको इस समय श्वास को बिल्कुल नॉर्मल रखना है और आपको बोलना है ओम मित्राय नमः, और आपको पूरा ध्यान एकाग्र करते हुए, और इस आसन को जब आप करते हैं तो इसके जो लाभ है उसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके हाथों में जो ऊर्जा है वो मस्तिष्क के साथ जुड़ते से और पीठ, छाती और भुजाएं इससे मजबूत होते हैं। सूर्य नमस्कार के दूसरी स्थिति का नाम है हत्तोत्तानासन। इसमें दोनों हाथ कान से लगाकर और हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास अंदर भरते हुए और पीछे की ओर बेंड करना है, और इसमें आपके जो स्थिति होंगे श्वास अंदर होंगे, आपका जो ध्यान होगा वो विशुद्धि चक्र पे होगा। विशुद्धि चक्र गले के पास है, थायराइड ग्रंथि के पास, और इसको करने से आपके पीठ, पेट संबंधित सभी समस्याएं ठीक रहते हैं, इससे लंग्स आपके मजबूत होते हैं। सूर्य नमस्कार का तीसरा स्थिति का नाम है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन इसमें आपको श्वास को बाहर निकालते हुए ब्रीद आउट करते हुए आगे की ओर झुकना है, और आगे झुकते हुए आपको अपना जो ध्यान है वो रखना है स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात नाभि और रेक्टम पार्ट के बीच में, और इसमें मंत्र बोला जाता है ओम सूर्याय नमः, और श्वास को बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर निकालते हुए आगे झुकते हैं। इस आसन को करने से आपके पैर, पीठ, मेरुदंड के संबंधित सभी प्रकार के समस्याओं के लिए लाभदायक है। के चौथे स्थिति का नाम है अश्व संचालन। इसमें दोनों हाथ आपके पैरों के साथ होंगे और मंत्र है ओम भानवे नमः। मंत्र बोलते हुए अपना ध्यान आपको आज्ञा चक्र में रखनी है। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच के स्थान को बताया गया है, और इसमें श्वास आपके नॉर्मल रहेंगे। इस आसन को करने से आपके हाथ, पैर की मांसपेशियां मजबूत होते हैं। गर्दन के लिए भी यह स्थिति लाभदायक है। सूर्य नमस्कार का जो अगला स्थिति है का नाम है पर्वतासन। पर्वतासन में श्वास को छोड़ते हुए बाहर निकालते हुए और दोनों पैरों को पीछे ले जाना है, एक पर्वत एक पहाड़ की भांति, और मंत्र यहाँ पर बोला जाता है ओम खगाय नमः। मंत्र बोलते हुए अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान रखना है। विशुद्धि चक्र जो आपके गले, थायराइड ग्रंथि के पास इसका स्थान बताया गया है, और श्वास की स्थिति आपके सामान्य रहेंगे। यदि इसको करने से आपके हाथ, आपके भुजाएं मजबूत होते हैं, पैरों में मजबूती आती है। सूर्य नमस्कार की छठी स्थिति का नाम है अष्टांग नमस्कार, और इसमें दोनों हाथ आपके छाती के बगल में होंगे, दोनों पैर पीछे जाते हैं, श्वास भरते हुए नीचे जाना होता है, और यहाँ पर मंत्र बोला जाता है ओम पोषणे नमः, और मणिपुर चक्र में ध्यान रखा जाता है। मणिपुर चक्र जो आपके नाभि के पास है, और इसमें जो श्वास की स्थिति होती है बिल्कुल सामान्य हो जाती है नीचे जाने के बाद। इस स्थिति को यदि आप होल्ड रखते हैं तो इससे आपके भुजाएं मजबूत होते हैं, गर्दन, पीठ, पेट की स्नायुओं को बल मिलता है, और इसके बाद सूर्य नमस्कार सातवें स्थिति है। इसका नाम है भुजंगासन। भुजंगासन, और ये इसमें मंत्र जो बोला जाता है, मंत्र है ओम हिरण्यगर्भाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए ध्यान की जो स्थिति होती है वो होती है स्वाधिष्ठान चक्र पर अर्थात
आपके मणिपुर नाभि और रेक्टम पैड के बीच का स्थान स्वाधिष्ठान चक्र बताया गया है। इस स्थिति को करने से भुजंग आसन के आपके दोनों हाथ पैर और हिप्स के मांसपेशियां मजबूत होते हैं। कमर पर दबाव पड़ने से कमर भी आपके स्वस्थ रहते हैं। और सूर्य नमस्कार का जो अगला स्थिति है उसका नाम है पर्वतासन। पर्वतासन में आपके दोनों पैर खींचे हुए होंगे और एक पर्वत की भांति, और इसमें मंत्र बोला जाता है ओम मरीचये नमः। श्वास सामान्य रहेंगे और आपको ध्यान लगाना है अपने विशुद्धि चक्र पे। विशुद्धि चक्र अर्थात अपने गले के पास थायराइड ग्रंथि के पास, और इसके करने से इसके जो लाभ है वो आपके पैरों के पीछे हमारे सबसे बड़ी नाड़ी होती है वात नाड़ी, ये आपके स्वस्थ रहेंगे। आपके पीठ खींचे हुए होने से आपके कंधे में कोई समस्या है तो वो ठीक हो जाएंगे, और आपके रक्त का संचार सिर की ओर आने से जो स्नायु संबंधित जो रोग हैं उसमें भी लाभदायक है, और आपके ब्रेन भी इससे एक्टिव होते हैं। सूर्य नमस्कार का नवा स्थिति है अश्व संचालन, इसको दक्षिण अश्व संचालन भी कहा जाता है। इस आसन के जो मंत्र होते हैं वो मंत्र हैं ओम आदित्याय नमः। इसमें श्वास भरते हुए अपने पैर को आगे ले आने होता है। आपके ध्यान आज्ञा चक्र पे होंगे। आज्ञा चक्र दोनों आंखों के बीच में है, और इसको यदि आप बहुत अच्छे प्रकार से होल्ड करते हैं तो इस आसन को करने से आपके पैर मजबूत होते हैं, आपके पीठ के जो मांसपेशियां हैं वो स्वस्थ रहेंगे, आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेंगे। सूर्य नमस्कार के दसवां स्थिति है, इसका नाम है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में जो मंत्र है ओम सावित्री नमः, मंत्र बोलते हुए आपका ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पे होगा। स्वाधिष्ठान चक्र आपके नाभि और रेक्टम पैड के बीच में है। श्वास आपको इसमें बाहर निकालना होता है, श्वास को नॉर्मल रख सकते हैं आप। इस आसन को करने से आपके पीठ संबंधित सारे समस्याएं ठीक हो जाते हैं। पेट के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटीज के रोगों के लिए यह आसन बहुत ही लाभदायक है, और इसको करने से आपके पैरों के मांसपेशियां भी मजबूत होते हैं। और सूर्य नमस्कार का ग्यारहवा जो स्थिति है उसका नाम है ऊर्ध्वहस्तोत्तानासन। इसमें श्वास भरते हुए दोनों हाथ आपके कान के साथ लगे रहेंगे, और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर आना है, और ऊपर आने के बाद थोड़ा सा पीछे कमर से बेंड करना है। आसन का नाम होने से इसका नाम हस्तोत्तानासन आता है, हाथ को ऊपर की ओर उठाना बताया गया है। इसमें मंत्र बोला जाता है ओम अर्काय नमः, और इसमें ध्यान रखा जाता है आपके विशुद्धि चक्र में अर्थात दोनों आंखों के बीच के जगह गले के पास बताया गया है विशुद्धि चक्र थायराइड ग्रंथि के पास। श्वास आपको अंदर भरनी है, और इसको करने से पीठ के लिए बहुत लाभदायक है, इससे पेट के मसल्स भी आपके स्ट्रोंग होंगे, पाचन क्रिया अच्छा होगा, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ते हैं इस आसन को करने से, इस स्थिति को करने से। और सूर्य नमस्कार का जो अंतिम स्थिति है उसका नाम है प्रणाम मुद्रा। इसमें पुनः जो प्रथम स्थिति है उसी स्थिति माना होता है। श्वास सामान्य होंगे और मंत्र ओम भास्कराय नमः। इसमें आपको अपना ध्यान अनाहत चक्र हृदय के पास रखना होता है। श्वास बिल्कुल आपके सामान्य होंगे, और पूरी एकाग्रता के साथ श्वास सामान्य रखना है, ध्यान आपका अनाहत चक्र में ही होगा। इस तरह से एक राउंड पूरा हो जाता है सूर्य नमस्कार।